जयपुर शहर में अरावली पर्वत माला के बीच नारगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है भगवान गढ़ गणेश का मंदिर, जहां पर जयपुर की स्थापना के समय से ही भगवान गणेश का मंदिर स्थापित किया गया। गढ़ गणेश मंदिर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। मंदिर में जाने के लिए दो मार्गों का प्रयोग किया जाता है, पगडंडी और सीढ़ियों के द्वारा पदयात्री मंदिर तक पहुँचते हैं। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश। सभी मंदिरों में आरती और अन्य कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण होता है, लेकिन जयपुर के गढ़ गणेश मंदिर में फोटोग्राफी करना भी मना है। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमा है वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। के महंत प्रदीप औदिचिन ने बताया कि पहाड़ी पर दक्षिण की ओर देखता हुआ भगवान गणेश का मंदिर है। मंदिर में माता पार्वती के द्वारा बनाया गया गणेश की मूर्ति है। सिटी पैलेस से महाराजा सवाई जयसिंह भगवान गढ़ गणेश के दर्शन किया करते थे। दोनों ही मार्गों में 365 सीढ़ियां हैं। वर्ष भर के प्रतिदिन के अनुसार ही सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। और जो मेरी भावना है यहाँ आने की, पिछले 4 वर्षों से मैं लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ और मैंने देखा कि आपकी एक अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है सुबह सुबह। एक आपकी जो भावना है कि एक इष्ट देवता है आपके, एक जो मन में संतुष्टि होती है, एक विश्वास पैदा होता है यहाँ आने से। एक तरीके से देखा जाए बिना सूंड के गणेश जी है और 16 दिन के गणेश जी हैं, और देखा जाए तो गणेश जी जो जयपुर की स्थापना है वो इसी मंदिर से हुई थी। ये गढ़ गणेश का मंदिर जयपुर से उत्तर दिशा की तरफ ऊंची पहाड़ी पर 365 सीढ़ी चढ़ के बना हुआ है, जहाँ पर गणपति का वो स्वरूप है जो पार्वती जी ने मैल कर निर्माण किया था। उस समय पर गणपति की सूंड नहीं थी, उसके बाद शिवजी से युद्ध हुआ, सरकटा हाथी का सर लगा, इसलिए पूरे भारतवर्ष में पहला मंदिर है कि जहाँ पर बाल स्वरूप गणपति के दर्शन है। रिद्धि सिद्धि समेत गणपति विराजमान है लाभ शुभ सहित, और गणपति भक्तों को दर्शन देते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ चढ़ के आते हैं उनकी गणेश जी मनोकामना पूरी करते हैं, और यहाँ से पूरे जयपुर सिटी का नज़ारा बड़ा सुंदर और भव्य नज़र आता है, क्योंकि सिटी पहले से महाराजा सवाई जयसिंह सुबह प्रातःकाल दर्शन किया करते थे और अपने नित्य कर्म की शुरुआत किया करते थे, इसलिए सवाई जयसिंह इष्ट देवता भी गणेश जी थे। इसलिए जयपुर की स्थापना से पहले महाराजा सवाई जयसिंह ने जिस समय आमेर रियासत थी उस समय किया, उस यज्ञ के अंदर पहले गणपति का पूजन किया, उसके बाद में यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ समाप्ति पर मंदिर बना, गणेश जी की स्थापना हुई, उसके बाद जयपुर की नींद बनी। इतना पुराना भव्य मंदिर है। तो मंदिरों के अंदर सब जगह लाइव दर्शन होते हैं, लेकिन लोग बाग बिस्तरों में बैठे दर्शन करते हैं वो कोई एक मान्यता नहीं, क्योंकि स्थान की प्रधानता होती है।